हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी लेप्रसी, दैट इज़ हैंसन्स डिसीज़, और उसके बाद हम देखेंगे नेशनल लेप्रसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। सो लेप्रसी ये जो डिसीज़ है, हैंसन्स डिसीज़ नाम से भी पहचाना जाता है, और इट्स करंट सिचुएशन विल सी हियर। लेप्रसी सिचुएशन इन इंडिया, करंट रिकॉर्ड्स जो है वो 2013 के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, प्रीवेलेंस रेट जो है लेप्रसी का, दैट इज़ 0.68 पर 10,000 पॉपुलेशन। देन एनुअल न्यू केस डिटेक्शन रेट 1 पर 10,000 पॉपुलेशन, 10,000 की पॉपुलेशन के पीछे एक केस डिटेक्ट होती है, न्यू केस, ऐसा लेप्रसी का प्रीवेलेंस है और न्यू केस डिटेक्शन रेट रहा है। उसके बाद परसेंटेज अगर देखें तो चिल्ड्रंस में 9.7% केस डिटेक्शन रेट है, और मल्टीबैसिलरी लेप्रसी, ये MBL जो है, मल्टीबैसिलरी लेप्रसी 49% उसमें होते हैं, जो टोटल केसेस होते हैं उसमें 49% मल्टीबैसिलरी होते हैं। उसके बाद 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव अचीव्ड एलिमिनेशन। तो लेप्रसी का जो एलिमिनेशन होता है उसका क्या क्राइटेरिया है कि लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन, इसका रेट अगर एक से भी कम होता है तो वहाँ पर इसको एलिमिनेटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ऐसे 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से लेप्रसी जो है एलिमिनेट हो चुका है। लेप्रसी की जो ट्रीटमेंट है उसका जो क्योर रेट है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 90 to 95%। तो लेप्रसी की पूरी ट्रीटमेंट की जा सकती है। लेप्रसी का जो क्लासिफिकेशन है आप यहाँ जो देख पा रहे, दैट इज़ ओल्ड क्लासिफिकेशन, उसमें भी इंडियन क्लासिफिकेशन है, ये ज़रूरी है। उसमें इंटरमीजिएट, ट्यूबरक्युलॉइड, बॉर्डरलाइन, लेप्रोमेटस और प्योर न्यूरोटिक टाइप, तो इस तरह की 5 टाइप के लेप्रसीज है। उसमें भी जो प्योर न्यूरोटिक टाइप है, दैट इज़ इंक्लूडेड ओनली इन इंडियन क्लासिफिकेशन, इट हैज़ नो स्किन लीजन्स। तो ये क्लासिफिकेशन आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद एक मैड्रिड क्लासिफिकेशन है जिसमें इंटरमीडिएट, ट्यूबरक्युलॉइड, बॉर्डरलाइन और लेप्रोमेटस, इन्हीं को इंक्लूड किया गया है। तो ये इंडियन क्लासिफिकेशन में एक एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, विथ ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रसी, दैट इज़ ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, 2 टाइप्स है, पॉसीबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी लेप्रसी। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना ज़रूरी है। तो पॉसीबैसिलरी जो होता है जिसमें बैक्टीरियल इंडेक्स जो है वो लेस देन 2 मानी जाती है, और मल्टीबैसिलरी में बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स इज़ मोर देन और इक्वल टू 2। इट इंक्लूड्स टाइप्स इंटरमीजिएट, पोलर ट्यूबरक्युलॉइड, बॉर्डरलाइन ट्यूबरक्युलॉइड, तो ये टाइप्स इसमें ऐड किए जाते हैं। मल्टीबैसिलरी जो है उसमें पोलर ट्यूबरक्युलोमेटस, बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस और मिड बॉर्डरलाइन, तो ये 3 टाइप्स के लेप्रसीज इंक्लूड किए जाते हैं। और इन क्लासिफिकेशंस में मल्टीड्रग थेरेपी जो है, नेशनल लेप्रसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंडर जो ड्रग्स दिए जाते हैं MDT मल्टीड्रग थेरेपी में, उनमें पॉसीबैसिलरी में रिफैम्पिसिन 600 वंस अ मंथ सुपरवाइज्ड, इस तरह से इसे दिया जाता है, और डेप्सॉन को 100 mg डेली, इस तरह से दिया जाता है। और मल्टीबैसिलरी में रिफैम्पिसिन डेप्सॉन के साथ क्लोफेजिमिन को 300 mg वंस अ मंथ सुपरवाइज्ड डोज में दिया जाता है, और 50 mg उसका डोज जो है डेली दिया जाता है। तो ये ज़रूरी है, तो इस क्लासिफिकेशन और इस चार्ट को आपको याद रखना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है पॉसीबैसिलरी का 6 months का होता है, मल्टीबैसिलरी का 12 months का, और आफ्टर ट्रीटमेंट फॉलोअप जो है एनुअली फॉर 2 years, 2 साल तक हर साल फॉलोअप के लिए आना ज़रूरी होता है, और मल्टीबैसिलरी में 5 साल तक एनुअली फॉलोअप के लिए आना कंपलसरी है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसीबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी, ये 2 कैटेगरीज़ याद रखना ज़रूरी है। इसको लीजन्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है, वो हम आगे देखेंगे। सो लेट्स सी दी एपिडेमियोलॉजी ऑफ लेप्रसी। लेप्रसी इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रसी एंड अफेक्टिंग मेनली पेरिफेरल नर्व्स।
तो ये जो डिसीज़ है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये मेनली पेरिफेरल नर्व्स जो होती है स्किन एरिया में, पेरिफेरल नर्व्स को ये अफेक्ट करता है। इट इज़ अ डिसीज़ विथ हाई इन्फेक्टिविटी बट लो पैथोजेनिसिटी, मतलब इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसकी पैथोजेनिसिटी मतलब इन्फेक्शन होने के बाद उसको डिजीज़ में कन्वर्ट होने के चांसेस कम होते हैं, उसकी पैथोजेनिसिटी लो होती है। सेकेंडरी अटैक रेट जो होता है हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स में वो 4.4 to 12% होता है, मतलब घर में अगर 5 लोग हैं और किसी एक को लेप्रसी होता है तो बाकी लोगों को लेप्रसी होने के चांसेस इतने होते हैं, 4.5 से 12% तक चांस होता है। यंगेस्ट केस जो देखा गया इंडिया में लेप्रसी का, वो 2.5 मंथ के इन्फंट को लेप्रसी डिटेक्ट हुआ है। लेप्रसी इज़ ऑफन नोन एज सोशल डिसीज़। सोशल डिसीज़ क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें सोशल स्टिग्मा इन्वॉल्व होता है कि जब भी लेप्रसी डिटेक्ट होता है तो लोगों का देखने का नज़रिया जो है वो बदल जाता है, तो इसीलिए इसे कंसील्ड रखने की टेंडेंसी लोगों में ज़्यादा होती है, हाइड रखते हैं, तो इसीलिए इट इज़ अ सोशल डिसीज़। इज़ प्रोबेबली द ओल्डेस्ट डिसीज़ नोन टू मैनकाइंड। तो लेप्रसी जो है ये एक ओल्डेस्ट डिसीज़ भी इसे माना जाता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ये इम्पोर्टेंट है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इसका ट्रांसमिशन होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनसे इसका ट्रांसमिशन होता है। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन भी होता है, डायरेक्ट स्किन टू स्किन और इनडायरेक्ट विथ सॉइल और फोमाइट्स, मतलब पेशेंट ने यूज़ की हुई चीज़ें यूज़ करने की वजह से या उसको छूने की वजह से भी ये ट्रांसमिट होता है, और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी। ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम लेप्रोमेटस मदर से भी ये ट्रांसमिट होता है। ट्रांसप्लासेंटल भी ट्रांसफेक्शन होता है। इंसेक्ट वेक्टर्स से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। टैटूइंग नीडल्स इससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ज़रूरी है, ड्रॉपलेट भी है, कॉन्टैक्ट भी है, ट्रांसप्लासेंटर, ब्रेस्ट मिल्क, इंसेक्ट वेक्टर्स और टैटूइंग से ये ट्रांसमिट होता है। डायग्नोसिस जो है, जो क्लिनिकल ग्राउंड स्पेस का जो डायग्नोसिस किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट पर्पस, तो पॉसिबैसिलरी जो है 1 से 5 अगर स्किन लीजन्स है तो उसे पॉसिबैसिलरी कहा जाता है, और 5 से ज़्यादा अगर स्किन लीजन्स इन्वॉल्व है तो उसे मल्टीबैसिलरी लेप्रसी कहा जाता है। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेप्रसी। सो लेवल ऑफ लेप्रसी फॉर डिक्लेयरिंग इट एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब लेप्रसी को कब नोटिफाई किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है कि ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह ऊपर आ रहा है, तो जब केस डिटेक्शन रेट 1 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब 10,000 पॉपुलेशन में 1 से ज़्यादा केस अगर दिखने लग जाता है, डायग्नोज होता है, तो ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इसे माना जाता है। एलिमिनेशन लेवल जो है वो 10,000 में 1 से कम केस, मतलब 0 या 1 केस, 0 केसेस अगर होते हैं तो उस जगह पर इसे एलिमिनेटेड माना जाता है। इंडिया एलिमिनेटेड लेप्रसी इन डिसम्बर 2005, तो 2005 में ही इंडिया में ये इरेडिकेट एलिमिनेट हो चुका था। इट नॉट इरेडिकेट, इट इज़ एलिमिनेटेड। गोल फॉर लेप्रसी अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 वॉज एलिमिनेशन बाय 2005, और वो उसका अचीव हो गया है। लेप्रसी एग्जिबिट्स बोथ इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो दोनों टाइप की इम्यूनिटी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसको टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट है। लेप्रोमाइन टेस्ट जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उसके लिए टेस्ट की जाती है। उसके बाद ये दो टेस्ट भी है, लेकिन लेप्रोमाइन टेस्ट ये ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद एसिड फास्ट बैसिलाई की टेस्ट, एलिजा टेस्ट, रेडियो इम्यूनो एसे और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टेस्ट, तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी पर अगर अटैक हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट की जाती है। देन सम देर आर सम डेफिनेशंस विच आर इम्पोर्टेंट अंडर नेशनल लेप्रसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। सो एक चीज़ यहाँ पर नोट करनी, इट इज़ नॉट इरेडिकेशन प्रोग्राम, इट इज़ एलिमिनेशन प्रोग्राम।
उसके अंडर जो डेफिनेशंस है, तो पॉसिबेसलरी लेप्रसी कौन सी होगी, तो 1 से 5 स्किन लीजन्स और एंड और ओनली 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये होना ज़रूरी नहीं है, ये एंड है या फिर और है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन 1 से 5 स्किन लीजन्स अगर है तो वो है पॉसिबेसलरी। मल्टीबेसलरी में 6 और मोर स्किन लीजन्स एंड मोर देन 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट, हियर ऑल्सो एंड और, तो नर्व इन्वॉल्वमेंट होगी या ना भी होगी, लेकिन स्किन लीजन्स अगर है तो वो मल्टीबेसलरी होती है। और इसके लिए जो एडिक्यूएट ट्रीटमेंट है, वो एडिक्यूएट ट्रीटमेंट पॉसिबेसलरी के लिए क्या मानी गई है, पेशेंट हैज़ रिसीव्ड 6 months ऑफ थेरेपी इन 9 months, मतलब 9 महीने में कम से कम 6 months मिनिमम उसने ट्रीटमेंट ली होनी चाहिए, और 12 months ऑफ थेरेपी इन विदिन 18 months, मतलब ट्रीटमेंट लेने के 18 महीने में 12 महीने कम से कम इसने ट्रीटमेंट अगर ली है तो ये एडिक्वेट ट्रीटमेंट मानी जाती है मल्टीबेसिलरी के लिए। रेगुलर ट्रीटमेंट, तो रेगुलर ट्रीटमेंट क्या होती है, सो पेशेंट हैज़ रिसीव्ड मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर 2/3 ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, दैट इज़ 4 months फॉर पॉसिबेसिलरी आउट ऑफ 6 months ऑफ ड्यूरेशन एंड 8 months फॉर मल्टीबेसिलरी आउट ऑफ 12 months ऑफ ड्यूरेशन। तो जो 6 महीने की ट्रीटमेंट होती है पॉसिबल बैसिलरी की, उसमें कंटिन्यूअस एटलीस्ट 4 महीने और मल्टीबैसिलरी में कंटिन्यूअस 8 महीने इस पेशेंट अगर ट्रीटमेंट लेता है, सो दैट इज़ रेगुलर ट्रीटमेंट कंसिडर्ड। सो व्हाट इज केस, सो क्लिनिकल साइंस ऑफ लेप्रसी विथ और विदाउट बैक्टेरियोलॉजिकल कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस। तो क्लिनिकल साइंस अगर लेप्रसी के दिखते हैं तो पेशेंट बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म हो या ना हो उसे केस कहा जाता है, एंड हु हैज़ नॉट येट कम्प्लीटेड अ फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट विथ MDT। तो जब तक वो फुल ट्रीटमेंट नहीं लेता तब तक उसे केस कहा जाता है। देन न्यूली डायग्नोस्ड केस क्या होती है, डायग्नोस्ड केस हु हैज़ नॉट टेकन MDT इन पास्ट, तो उसने कभी MDT ली नहीं है तो उसे नया केस ही माना जाएगा। डिफॉल्टर, डिफॉल्टर क्या होता है, अ लेप्रसी पेशेंट ऑन मल्टी ड्रग थेरेपी हु हैज़ नॉट कलेक्टेड ट्रीटमेंट फॉर 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। तो अगर वो ट्रीटमेंट ले रहा है, उसने ट्रीटमेंट बीच में ब्रेक कर दी और 12 महीने तक उसने अगर बीच में ट्रीटमेंट नहीं ली तो उसे डिफॉल्टर कहा जाता है। उसके बाद रिलैप्स्ड केस, तो रिलैप्स्ड केस क्या होगी, अ पेशेंट हुज थेरेपी वॉज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली कम्प्लीटेड एडिक्वेटली हु सब्सिक्वेंटली डेवलप्स न्यू साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ आइदर ड्यूरिंग सर्विलेंस पीरियड और देर आफ्टर। तो रिलैप्स केस क्या होगी, उसने अगर कम्प्लीट ट्रीटमेंट ली है, टर्मिनेट की हुई है सक्सेसफुली ट्रीटमेंट, एडिक्वेट ट्रीटमेंट ली है, और उस ट्रीटमेंट लेने के बाद सब्सिक्वेंटली अगर उसमें नए साइंस और सिम्टम्स डिसीज़ के डेवलप होते हैं ड्यूरिंग सर्विलेंस पीरियड और देर आफ्टर सर्विलेंस पीरियड, जो फॉलोअप का पीरियड होता है उसके बीच में या उसके बाद, अगर ये पेशेंट को फिर से नए साइंस सिम्टम होते हैं तो उसे रिलैप्स केस कहा जाता है। देन ये हो गए डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। देन जो मैं कह रहा था कि इरेडिकेशन वर्ड इसमें नहीं यूज़ किया, तो क्यों, सो लेप्रसी इज़ नॉट एमेनेबल टू इरेडिकेशन, मतलब लेप्रसी को इरेडिकेशन के लिए प्रमोट नहीं किया जाता या उसके लिए उसको इरेडिकेट करना मुश्किल होता है। तो क्यों मुश्किल होता है, ये रीजंस यहाँ पर देखना ज़रूरी है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई लेप्रसी इज़ नॉट एमेनेबल टू इरेडिकेशन, सो द रीजंस आर, इट हैज़ अ लॉन्ग एंड वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है कई महीनों से लेकर कई सालों तक भी हो सकता है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। तो इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल होना ये एक वजह होती है। दूसरा, डिस्प्यूटेड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स है जिसकी वजह से इसे इरेडिकेट करना मुश्किल होता है। देन नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सब क्लिनिकल केसेस एंड आवर इनएबिलिटी टू डिटेक्ट देम। तो सब क्लिनिकल केसेस का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, कि कई सारे केसेस जो होते हैं सब क्लिनिकल केसेस घूमते रहते हैं और वो डिटेक्ट नहीं हो पाते, तो ये एक बड़ी रीज़न है लेप्रसी को इरेडिकेट ना होने पाने के लिए। देन कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ मैनिफेस्टेशंस, तो इसके डिसीज़ मैनिफेस्टेशंस भी कॉम्प्लिकेटेड तरह के होते, अलग अलग तरह के,
जिसकी वजह से भी इसको डिटेक्ट करना और इरेडिकेट करना मुश्किल होता है। फेलियर ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन लेप्रोमेटस केसेस, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज में फेल हो जाती है, ये भी इसकी वजह है इरेडिकेशन की। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस एंड परसिस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी, तो जो बैक्टीरिया है वो भी रेजिस्टेंस हो जाता है और वो बॉडी में परसिस्ट करते रहता है, ट्रीटमेंट देने के बावजूद वो बॉडी में बना रहता है, जिसकी वजह से उसको इरेडिकेट करना मुश्किल है। वैक्सीन्स ना होना, ये भी इसकी वजह है। सोशल कल्चरल टैबूज लीडिंग टू कंसीलमेंट ऑफ डिसीज़, जैसा मैंने कहा था कि सोशल और कल्चरल टैबूज जो है जिसकी वजह से डिसीज़ को छुपाया जाता है, कंसील किया जाता है, जिसकी वजह से केसेस डायग्नोज नहीं हो पाते और उसी की वजह से इसे इरेडिकेट करना भी मुश्किल होता है। डिस्कवरी ऑफ एक्स्ट्रा ह्यूमन रिजर्वायर, तो ह्यूमंस के अलावा भी इसके रिजर्वायर देखे गए हैं, जिसकी वजह से भी इसे इरेडिकेट करना मुश्किल होता है। सो नेक्स्ट है नेशनल लेप्रसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। सो लेप्रसी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी यूज़ की जाती है। मल्टी ड्रग्स ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रसी आर MDT, वो कौन कौन से है? रिफामफिसिन, सो इसकी जो एफिकेसी है वो 99.9% ऑर्गेनिज़म्स को ये किल करता है 600 mg डोज में। तो रिफामफिसिन मल्टी ड्रग थेरेपी में एक ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके बाद क्लोफाजिमिन, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग मोस्ट एक्टिव ऑन डेली एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोसाइडल मतलब उसके किल करने वाला और उसकी ग्रोथ को रोकने वाला, बैक्टीरियोस्टैटिक। देन डैप्सॉन, अ सेफ ड्रग इन डोज अप टू 100 mg, तो डैप्सॉन एक इसकी थेरेपी में इम्पोर्टेंट ड्रग है और सेफ ड्रग है। उसके बाद लेप्रा रिएक्शंस, अगर आप लेप्रसी के पेशेंट्स देखोगे तो आपको आप देखेंगे कि उसमें लेप्रा रिएक्शंस होती है, मतलब कई लोगों के हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां ये नहीं होती, तो उसकी वजह जो होती है लेप्रा रिएक्शंस होती है। इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन दैट कैन अफेक्ट स्किन पैचेस, नर्व्स, आइज एंड इन फ्यू केसेस इंटरनल ऑर्गन्स, तो लेप्रसी के पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में ये लेप्रा रिएक्शंस देखने को मिलती है जो काफ़ी पेनफुल होती है। जो क्यों होती है? दैट कैन अफेक्ट स्किन पैचेस, नर्व, आइज एंड इन फ्यू केसेस इंटरनल ऑर्गन्स को भी वो इन्फेक्ट इन्फ्लेम कर सकती है। दे कैन ऑकर एनी टाइम इन लेप्रसी पेशेंट, सो बिफोर डायग्नोसिस भी ये रिएक्शन आ सकती है, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी ये रिएक्शंस उन पेशेंट में देखी जा सकती है और ट्रीटमेंट फिनिश होने के बाद भी ये रिएक्शंस देखी जा सकती है। तो ये रिएक्शन कौन कौन सी होती है? तो टाइप 1 और टाइप 2, ऐसी दो टाइप्स की ये लेप्रा रिएक्शंस होती है। टाइप 1 जो है रिवर्सल रिएक्शंस होती है, जो बॉर्डरलाइन लेप्रसी में ज़्यादातर देखी जाती है। इनमें क्या होता है? रेडिश और सोलन स्किन लीजन्स होते हैं, पेनफुल, टेंडर और सोलन नर्व्स, जो नर्व एंडिंग होते हैं वो बहुत पेनफुल और टेंडर हो जाते हैं। साइंस ऑफ नर्व डैमेज, फीवर एंड मैलेज, सोलन हैंड्स एंड फीट्स एंड न्यू स्किन लीजन्स, ये सब इसमें देखा जाता है। दो देन टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन, जिसको एरिदेमा नोडोसम लेप्रोसम ये भी कहा जाता है, मोर कॉमन इन LL एंड लेप्रोमेटस एंड बॉर्डरलाइन लेप्रसी, इसे देखा जाता है। तो टाइप 2 क्या होती है? टेंडर रेडिश एंड ट्रांजिएंट स्किन नोड्यूल्स, ऑकेजनली पेनफुल एंड सोलन नर्व्स, ये ऑकेजनली पेनफुल होते हैं। और टाइप 1 जो है वो ज़्यादातर पेनफुल होते हैं। फीवर, जॉइंट पेन एंड मैलेजिस में भी होता है। आई इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो टाइप 2 में देखी जाती है, टाइप 1 में नहीं होती, टाइप 2 में आई इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होती है? टाइप 1 के लिए प्रेडनिसोलोन जैसे स्टीरोइड्स है उनको देना ज़रूरी होता है, ताकि उनका इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाए। टाइप 2 रिएक्शंस जो होती है माइल्ड केसेस में एनर्जेसिक और एंटीपायरेटिक लाइक एस्पिरिन, और सीवियर केसेस में प्रेडनिसोलोन दिया जाता है। ड्यूरिंग स्टीरोइड विड्रॉल, जब स्टीरोइड को टेम्परिंग डोज में विड्रॉ किया जाता है, तब क्लोफाजिमिन उसमें स्टार्ट किया जाता है ट्रीटमेंट में। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स अंडर नेशनल लेप्रसी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स, तो लेप्रसी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है उसमें जो ड्रग्स यूज़ की जाती है वो हमने देखी।
और उसके बाद जो प्रोग्राम है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, तो सर्वे एंड एजुकेशन ट्रीटमेंट सेंटर जो होते हैं ECT जिसे कहते हैं, वो 1 per 20 to 25,000 पॉपुलेशन एक होना चाहिए। और अर्बन लेप्रेसी सेंटर जो है उसके लिए नॉर्म्स है 50,000 पॉपुलेशन में ये एक अर्बन लेप्रेसी सेंटर होना चाहिए। और लेप्रेसी कंट्रोल यूनिट जो होता है वो 1 per 4 to 5 lakh पॉपुलेशन में 1 लेप्रेसी कंट्रोल यूनिट होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेप्रेसी रेडी के एलिमिनेशन प्रोग्राम में लिखने के लिए ज़रूरी है। तो सर्वे एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर क्या होता है, इट इज़ अ सेंटर अटैच विथ PHC इन रूरल एरियाज। तो PHC में ही ये सेंटर होता है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल ऑफिसर करते हैं। और पॉपुलेशन क्राइटेरिया 20 to 25,000 होता है। स्टाफ में इसमें एक 1 पैरामेडिकल वर्कर को रखा जाता है इस सर्वे एजुकेशन ट्रीटमेंट सेंटर में। और इसके जो फंक्शन होते हैं दैट इज़ डिटेक्शन ऑफ केसेस अर्ली बाय हाउस टू हाउस सर्वे। तो केसेस का डिटेक्शन किया जाता है, हेल्थ एजुकेशन अबाउट लेप्रसी इसमें होता है, लेप्रसी के बारे में एजुकेट करना, डिटेक्ट करना घर घर जाके, फ्री ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप केसेस का लेना इसके अंडर आता है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड देयर केमोप्रेपिलेक्सिस विद डेप्सॉन। मतलब अगर कोई केस डिटेक्ट होती है तो उसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसको ट्रेस किया जाता है और उनको केमोप्रेपिलेक्सिस विद डेप्सॉन दिया जाता है। उसके बाद SIS मतलब सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इस प्रोग्राम के अंडर डेवलप की गई है। इट इज़ अ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेंशियल फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ NLEP जो 2002 में स्टार्ट की गई थी, जिससे प्रोग्राम को जो है मॉनिटर किया जा सके, इवेल्यूएट किया जा सके। सो इंडिकेटर्स ऑफ SIS, तो इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, सो प्रिवेलेंस रेट ऑफ लेप्रसी इसको कैलकुलेट करने के लिए SIS जो इंडिकेटर्स हैं मतलब इस सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये कैलकुलेट किया जाता है, न्यू केस डिटेक्शन रेट, प्रिवेलेंस रेट, चाइल्ड प्रोपोर्शन अमंग न्यू केसेस, उसके बाद विजिबल डिफॉर्म केस प्रोपोर्शन अमंग न्यू केसेस, जो न्यू केस डिटेक्ट होती है उसमें कितने लोग विजिबली डिफॉर्म है, डिफॉर्मिटीज़ जिनमें होती है उनका प्रोपोर्शन देखा जाता है, और मल्टीबैसिलरी लेप्रसी का प्रोपोर्शन न्यू केसेस में डिटेक्ट करना, फीमेल प्रोपोर्शन डिटेक्ट करना, न्यू केस डिटेक्शन रेट इन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में न्यू केसेस कितने निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद पेशेंट मंथ ब्लिस्टर कैलेंडर पैक्स स्टॉक, तो स्टॉक्स को मॉनिटर करने के लिए भी ये ज़रूरी है। उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ हेल्थ सब सेंटर्स प्रोवाइडिंग मल्टी ड्रग थेरेपी, तो कितने सब सेंटर्स एक्टिव है उसका प्रोपोर्शन क्या है ये डिसाइड करने के लिए, और एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पेशेंट्स मेड RFT मतलब रिलीज फ्रॉम ट्रीटमेंट, तो कितने नंबर ऑफ पेशेंट रिलीज हो चुके ट्रीटमेंट से, इनको मॉनिटर करने के लिए इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, और जिसकी मदद से ये सब प्रोपोर्शंस और जो नंबर्स है ये अचीव किए जाते हैं। देन न्यूअर इनिशिएटिव्स अंडर NLEP, तो न्यूअर इनिशिएटिव्स इस प्रोग्राम के क्या है, तो फोकस्ड लेप्रसी एलिमिनेशन प्लान FLEP 2005। सो प्रायोरिटी एरियाज दैट इज़ कौन कौन से एरियाज में इसको प्रायोरिटी पर किया जाता है काम, जो जिस जहाँ पर प्रिवेलेंस रेट जो है तीन से ज़्यादा है पर 10,000 केसेस, वहाँ पे फोकस लेप्रसी एलिमिनेशन प्लान को एक्टिवेट किया जाता है। उसके बाद इंक्रीज्ड एफर्ट ऑन इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन सेंटर्स ट्रेनिंग एंड इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी, तो इसमें एफर्ट लिए जाते हैं। वीक लॉन्ग ब्लॉग लेप्रसी अवेयरनेस कैंपेन, तो लेप्रसी अवेयरनेस कैंपेन को हफ्तों तक चलाया जाता है। उसके बाद स्पेशल एक्शन प्रोजेक्ट्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ लेप्रसी इन रूरल एरियाज एंड लेप्रसी एलिमिनेशन कैंपेन फॉर अर्बन एरियाज, तो ये भी नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं टू कवर पॉपुलेशंस रिजाइडिंग इन डिफ़िकल्ट और इनएक्सेसिबल एरियाज विच वेयर नॉट जनरली कवर्ड बाय रेगुलर प्रोग्राम एक्टिविटीज़। तो ये एक्सटेंडेड एक्टिविटीज़ नए जो न्यूअर इनिशिएटिव्स है उसमें ये किए गए हैं, स्पेशल एक्शन प्रोजेक्ट फॉर एलिमिनेशन
ऑप्लेप्रसी SAPEL एंड LEC इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद एकम्पनाइड मल्टी ड्रग थेरेपी, ये क्यों जो है इसे निगलेक्ट करना है, ये क्यों, सो एकम्पनाइड MDT, दैट इज इफ पेशेंट इज अनेबल टू कम टू कलेक्ट हिज और हर MDT फ्रॉम क्लिनिक, एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन फ्रॉम फैमिली और विलेज कैन कलेक्ट इट। तो मतलब एकम्पनाइड मल्टी ड्रग थेरेपी का पर्पस क्या है, तो पेशेंट अगर ड्रग्स किसी वजह से ले नहीं पाता तो उस तक वो मेडिसिन पहुंचाने के लिए अल्टरनेटिव वेज़ को यहाँ पर किया गया है, जैसे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी उसकी दवा ले सकता है। डिजाइंड टू हेल्प पेशेंट्स हु हैव टू इंटरप्ट देयर ट्रीटमेंट ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल रीज़न, तो किसी रीज़न की वजह से अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट इंटरप्ट करनी पड़ रही है तो वो इंटरप्ट ना करे, इसलिए ऐसी सिस्टम को डेवलप किया गया है। और स्पेशली यूजफुल फॉर इरेगुलर पेशेंट, जो पेशेंट इरेगुलर होते हैं ट्रीटमेंट लेने में, उनके लिए ये ज़रूरी होता है। गिव्स पेशेंट अ चॉइस, दैट इज़ पेशेंट कैन कलेक्ट एंटायर MDT कोर्स व्हेन डायग्नोज एंड आफ्टर प्रॉपर काउंसलिंग, तो पेशेंट्स ये पूरा कोर्स जो है वो एक साथ भी ले सकते हैं, ऐसी चॉइस उनको इसके अंडर दी जाती है। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेप्रसी डिसीज़ और उसका लेप्रसी इरेडिकेशन प्रोग्राम।